भगवंत मान नॉन सीरीयस जिहड़ा है एम पी आ उन्हें जदों भी कोई गल की है बेसिर पैरी गल की है पहला तो उन्होंने किसानी मसलों के नहीं पता ना उसने ऑर्डिनेंसा बारे पता है वो तो ना मैं समझदा कि सिवाए कमेडियन तो उसकी गल ते कदे पंजाब दे लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिता जिथों तक सरदार प्रकाश सिंह बादल की शख्सियत का सवाल है वो पंजाब दे पंज बारी मुख्यमंत्री रहे ने देश दे विच तीन वड्डे किसान आगू होए ने चौधरी चरण सिंह होए ने चौधरी देवी लाल होए ने या सरदार प्रकाश सिंह बादल होए ने जिन्होंने सारी जिंदगी किसानों के हकों लई बहुत वड्डी लड़ाई लड़ी है जदों भी अकाली दल की सरकार बनी है सारिया सहूलत अकाली दल की सरकार के समय मिली ने देखो जदों ट्रैक्टर थी ट्रैक्टर जे गड्ढा ऐलान किया तो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने किया पंजाब दे विच जिहड़ा फोकल पॉइंट ने जां परचेज सेंटर ने वो भी श्रोमणी अकाली दल की सरकार के समय बने ताकि किसानों नूं अपनी फसल बेचण दे विच कोई दिक्कत ना आए दूर दराडे मंडियां च जाण वास्ते किसानों नूं बहुत परेशानी हुंदी सी और जे पंजाब दे अंदर ट्यूबवैलों के बिल माफ़ किए जिहड़े कि उस समय 7-8 हज़ार करोड़ रुपया पर ईयर बनता सीगा वह भी मैं कहना देश दे विच पहली अकाली दल की सरकार सी सरदार प्रकाश सिंह बादल थे जिन्हां दे मन विच हमेशा किसानां प्रति दर्द रहा है कि यह ना मुनाफे बख्श धंधा हैगा इस करके पंजाब दे अंदर पावर फ्री जिहड़ी है ट्यूबवैलों नूं वह भी अकाली दल की सरकार समय दित्ती है और फिर जिहड़ा इन्हां दे अपने खाल पक्के करन दी गल सी वेस्ट जांदा सी पानी जिहड़ा है किसानां दे खेतां नूं जिहड़े खाल पक्के किते वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट जिहड़े ने अकाली दल की सरकार ने किते जदों भी किसानां लई MSP लई लड़ाई लड़ी वह भी श्रोमणी अकाली दल ने लड़ी अज भी श्रोमणी अकाली दल इस गल लई कमिटड है और हुण कल सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अपनी जिंदगी का जिहड़ा वड्डा तजर्बा है उहदे तों उहनां ने पंजाब दे किसानां नूं अपील की है कि तुसीं कांग्रेस तों कोई आस ना करो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ना जिंदगी च खेती की है ना उहनूं किसानी का पता है वह ऑर्डिनेंसा के मामले के उत्ते पंजाब दे किसानां नूं गुमराह कर रहे हैं क्योंकि जिहड़े ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लैके आई है पहलां तां बिल्कुल उसे दी जिहड़ी कॉपी है इन्होंने 14 अगस्त 2017 नूं बिल बनाया है जिदे विच इन्होंने ई मार्टिंग का प्राइवेट मंडिया का नवीं मंडिया स्टैबलिश करन दी गल कही है हुण जिहड़ी आया हैगा अपना अपने ऑर्डिनेंस आए ने उहदे विच स्पष्ट हैगा कि पंजाब दे किसान या देश दे जिहड़े किसान ने उहनां दी जिहड़ी फसल है वह तो किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहनी जिथे उन्होंने वध रेट मिलता उतो बेच सकते हैं प्राइवेट मंडिया बेच सकते हैं बाहरलिया स्टेटा च जाके बेच सकते हैं अपनी मंडी आप स्थापित कर सकते हैं ये जड़ा है किसानों के हित लई गल की सी और कोई भी क्लाज जी है वह ऑर्डिनेंसा के नहीं है कि जिदे समैल आँदी हो पंजाब का जो मंडीकरण सिस्टम खत्म हो जूगा या पंजाब दुरानिया मंडिया ने वो खत्म हो जाएगियाँ या इतने जोड़ा MSP का प्रोक्योरमेंट चल रही है वह खत्म हो जूगी तो किसान यूनियन ने श्रोमणी अकाली दल के प्रधान जी नाल गल की तो उन्होंने बड़ा हिक ठोक के गल कही कि जे पंजाब के किसान का एक सिंगल पैनी का नुकसान होंगे MSP का नुकसान होंगे जो MSP से फसल नहीं बिकती या मंडीकरण बोर्ड सिस्टम में कोई सट लगती है तो अकाली दल लई ना कोई पोलीटिकल अलायंस जरूरी है ना साडे लई सत्ता जरूरी है असी किसानां दे लई सब तो अगे होकर लड़ांगे तो उत्थे किसान यूनियन ने गल कही कि जी ये वर्बली जिहड़ा है भावें एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह गया पर जे लिखती रूप च प्रधान जी लै लो तो पंजाब दे किसानां नूं तसली हो जाए तो मैं बड़ा धन्नवाद करदा सरदार प्रकाश सिंह बादल का और सरदार सुखबीर सिंह बादल का कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को मुद्दा उठाया कि पंजाब दे किसानां नूं खदशे ने कि पंजाब दे विच जिहड़ा मंडीकरण सिस्टम है वह खत्म ना हो जाए तो उन्होंने लिखती रूप दे विच पहली बारी होया कि उन्होंने रिटन ये लिख के दिता है कि ना तो MSP खत्म होवे जिहड़ियां पुरानियां मंडियां ने उस तरह ही चलनगियां जिहड़ी प्रोक्योरमेंट है आड़ती दे थ्रू होएगी उस तरह उसकी पेमेंट होनी है उवें CC लिमिट जारी करनी है ईवन सरकार नूं नवीं मंडियां बनाउण दा भी अधिकार है जे नवीं मंडियां स्टैबलिश करना चाहे और उस तों अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मंडीकरण सिस्टम से कोई फर्क पैंदा सवाल ही नहीं भी इस ऑर्डिनेंसा का वो कोई लागा देगा ही नहीं
उसे तरह पंजाब सरकार जो मंडीकरण के फै मंडी बोर्ड के खर्चे ने भावें मार्केट फीस है आर डी एफ है कोई लोकल टैक्स ने उस तरह वो टैक्स जोड़ा है प्रोक्योरमेंट के उत्ते पे होने ने इस करके सरदार प्रकाश सिंह बादल वर्गा एक तजर्बेकार जो देश का सब तो सीनियर आगू है वो गल के उत्ते भगवंत मान की टिप्पणी कोई मायने नहीं रखती। भगवंत मान का ये गल कहना तुहाडा समा बदल गया। भगवंत मान तो मेरा ख्याल है भी मैनू कोई लफ्ज कहना नहीं चाहिए सरदार प्रकाश सिंह बादल दे जिमें कहने वाला वगू उन्हां दी वड्डी सोच है देश दे प्रति या किसानों के प्रति तो ये एक मस्करी किस्म का जिहड़ा है बंदा है जिहड़ियां इहियां हसोई दियां गल्लां करदा है। इस करके मैं समझदा लोग भी भगवंत सिंह मान की किसी गल नूं जिहड़ा है वो तवज्जो नहीं दिंदे ना ही वो गल नूं सिंसियरिटी नाल लैंदे ने।